मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है जिसको आम भाषा में पागल खाना कहते हैं। यहाँ पर हमको एक बहुत सारे पागल लोग दिखाए जाते हैं जो कि इसी हॉस्पिटल में बंद थे। अब यहाँ पर हम डॉक्टर ब्रेंडन को देखते हैं जो इस हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे थे, और उनके साथ एक दूसरी डॉक्टर और थी जिसका नाम था डॉक्टर एन। यहाँ पर डॉक्टर एन को एक पेशेंट पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन को निकाल लेता है, और इनको ये पता भी नहीं पड़ पाता कि उनके बालों में से किसी ने हेयर पिन निकाल ली है। यहाँ पर डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को तीन भाइयों के बारे में बताता है, यानी कि सौ ट्रूथ थ्री फिंगर एंड वन आई के बारे में, और वो उनको बताते हुए कहते हैं कि ये सैनिटोरियम के यानी कि इस पागल खाने के सबसे खतरनाक यहाँ पर मेंटलिस्ट हैं। और यहाँ पर ये इनको बताते हैं डॉक्टर इलीगल के बारे में, और यहाँ पर इस मेंटल हॉस्पिटल में इन तीनों को इलीगल ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इलीगल ब्रदर्स के नाम से इसलिए क्योंकि डॉक्टर इलीगल थी जिन्होंने इन तीनों को भाइयों को पकड़ा था। यहाँ पर हम थ्री फिंगर दिखाते हैं और वो डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को बताते हैं कि थ्री फिंगर तो थ्री फिंगर इसलिए बना क्योंकि वो अपनी तीन फिंगर्स को खा गया। वन आई ने अपनी एक आई निकाल कर खा गया, और सौ टूथ जो कि दीवारों पर अपने दांतों को रगड़ता है जिसके जो उसके दांत हैं वो सौ जैसे बन चुके हैं। डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को उनकी ये सारी बातें बताते और उन्हें बताते हैं कि ये कितने खतरनाक है। यहाँ पर वो ब्रेंडन डॉक्टर एन को बताते हैं कि ये यहाँ के एक पेशेंट पर भी हमला कर चुके हैं और उसको मार चुके हैं। अब यहाँ पर ये लोग आगे जाते हैं और तभी वो कैदी जिसने डॉक्टर एन का सिर का पिन निकाला था यानी कि हेयर पिन निकाला था वो उसको खोलने की कोशिश करता है उस पिन से अपने बैरक को, पर वो इतना चालाक नहीं होता कि वो उसे खोल पाए, तो वो वहाँ पर उसको थ्री फिंगर को दे देता है जो कि इन तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा शातिर था। वो वहाँ पर उस पिन से उस बैरक को खोल देता है और वहाँ के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो उन पर हमला कर देता है, लोगों पर हमला कर देता है, और यहाँ पर ये सभी लोग उस सैनिटोरियम के जितने भी कैदी थे उन सबको खुला छोड़ देते हैं, और ये पूरी तरह से एक पागल खाना बन चुका था और ये सब लोग एकदम ही इनकंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उस पर करंट लगा देते हैं तब तक उसका जो दिमाग है वो पक नहीं जाए। यहाँ पर ये लोग डॉक्टर ब्रेंडन को पकड़ते हैं और उसको अपनी ताकत दिखाते हुए उसके सारे हाथ पांव तोड़ देते हैं। अगले 30 साल बीतते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो यहाँ पर आए थे एक स्नो राइडिंग के लिए अपनी स्नो मोबाइल्स लेकर। अब रात हो रही होती है, ये लोग अपनी स्नो मोबाइल्स पर होते हैं और स्नो के समुद्र में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तगड़ा एक तूफान आ जाता है जो कि एक स्नो का तूफान था। यहाँ पर हमें वही सैनिटोरियम दिखाया जाता है जो हमें 30 साल पहले दिखाया गया था। अब ये लोग उस जगह को देखकर उसके पीछे आ जाते हैं और उसके अंदर जाने की सोचते हैं ताकि उनकी जो रात है वो यहाँ पर गुजर चुके। अब ये लोग इस सैनिटोरियम के अंदर आ जाते हैं, और ये दोस्तों जैसा कि ये लोग यहाँ पर अमेरिकन थे तो अमेरिकन ऐसे चुप कहाँ बैठने वाले थे, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उत्पात मचाते ही तो ये सैनिटोरियम के अंदर जाते हैं और अपने लिए जगह को डिस्कवर करते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने बताया ये लोग यहाँ पर डिस्कवर करते करते एक शराब की बोतल ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक डायरी मिलती है जहाँ पर उन सभी पुराने कैदियों के बारे में डिटेल्स थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं उन्हीं दो ब्रदर्स को जो एक आदमी को खींचकर लेकर आ रहे थे। अब हम लोग फिर से इन फ्रेंड्स के पास आते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर अपने सोने के लिए बेड्स को डिस्कवर कर रहे थे। अब यहाँ पर जो उनमें से एक लड़का होता है वो एक रूम में जाता है और उन दो लड़कों को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों उसके पास जैसे जाती हैं एकदम से वो लड़का बाहर आकर उन दोनों को डरा देता है। अब क्योंकि वो लड़कियां डर जाती हैं तो अपने दोस्त को मारने पीटने लगती हैं गुस्से में आकर। अब यहाँ से फिर से दोस्तों सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि इनके पीछे सॉटूथ आ रहा था। ये लोग उसे नहीं देख पाते पर वो इनके ऊपर नज़र रखे हुए था। अब ये लोग एक जनरेटर रूम में जाते हैं, वहाँ पर जनरेटर को ऑन करते हैं जिससे कि सारे सैनिटोरियम की लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये अमेरिकन थे, बिना ऐसे कहाँ रुकते। अब ये लोगों को शराब की बोतल भी मिल चुकी थी तो ये लोग वहाँ पर पार्टी करना शुरू कर देते हैं और पूरे सैनिटोरियम में उत्पाद मचा देते हैं। अभी यहाँ पर वो तीनों ब्रदर्स नहीं आए थे जो इस मूवी के मेन विलन्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को एक सीडी मिलती है जहाँ पर जिस सीडी को एक टेप रिकॉर्डर में लगा कर उसको एक चलाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कैदियों का किस तरह से ऑपरेशन किया जाता था और उन्हें किस तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। अब यहाँ पर इनके बीच में से एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि मेरा भाई हमें उन तीन ब्रदर्स के बारे में, उन तीनों 20 ब्रदर्स के बारे में बड़ी खौफनाक कहानियाँ सुनाता था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और मेरे दोस्तों से कहती है कि अब मैं सोना चाहती हूँ, तो ये लोग अपने अपने दोस्तों बेड्स की तरफ जाते हैं सोने के लिए। तभी रात में से उनमें से एक लड़के को आवाज़ आती है चिल्लाने की, और वो जैसे ही देखता है कि उनका एक दोस्त एक सैनिटोरियम के एक रूम में बैठा हुआ है जो उनके साथ ही आया था। अब यहाँ पर जैसे वो उसको हिलाकर देखता है वो देखता है कि वो मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे अचानक से सौ टूथ आ जाता है जो उसे कुछ बोलने का भी मौका नहीं देता और उसके सिर में एक नेल को पास कर देता है और उसे मार देता है ऑन द स्पॉट ही। और हम लोग इन सभी लड़कियों को देखते हैं और इन सभी फ्रेंड्स को देखते हैं और इनको अपना दोस्त मिल नहीं रहा होता है,
तो वो लोग इस सेनेटोरियम में एक सर्च ऑपरेशन चालू करते हैं और वहाँ पर उस लोग को, यहाँ पर ये लोग अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं, पर वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों उनको कुछ हथियार भी मिलते हैं, यानी कि कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड मटेरियल। यहाँ पर उनको कुछ बड़े बड़े चाकू और कुछ बड़े प्लायर्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तब वो लोग उसी रूम के पास जाते हैं जहाँ पर उसके दोस्त का कत्ल हुआ था, और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर खून लगा हुआ है, जिसको देख कर ये सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और वहाँ से देखते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। अब ये लोग दोस्तों एक एक की टीम में ये चार लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अलग अलग उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर वो लड़की अपने सॉटूथ को देखती है और देखती है कि वो अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर उसी के दोस्त को मार रहा था, तो वो लड़की किसी तरह से उनसे बचाकर उन अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और ये लोग एक ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं जहाँ पर ऊपर से स्टेयर्स के ऊपर से एक बैग आके गिरता है, जो कि एक बैग नहीं था, उन्हीं के दोस्त की जैकेट थी जिसके अंदर उसी का ही कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। ये सब लोग दोस्तों उसे देखकर इतने ज़्यादा चौंक जाते हैं और इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और इन लोगों को यहाँ पर वो तीनों भाई देख रहे थे। इनमें से एक लड़की को वो तीनों भाई अपनी एक रस्सी से, यानी कि नुकीली रस्सी से एक लड़की को ऊपर खींच लेते हैं, पर वो लड़की बहुत कोशिश करते हैं नीचे उतरने की, पर वो नहीं उतर पाती। उसका एक दोस्त भी उसकी हेल्प करता है, पर वो उसकी हेल्प भी किसी काम नहीं आ रही थी, और फाइनली उस लड़की का जो सिर है उसके धड़ से अलग हो जाता है और ये मर जाती है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, अपनी स्नोमोबाइल्स के पास जाते हैं, पर देखते हैं कि उनका जो स्पार्क प्लग था वो उन तीनों भाइयों ने निकाल दिया था, और यहाँ पर इन लोगों के पास जैकेट्स भी नहीं थी ताकि वो लोग यहाँ से बाहर जा सके। इनमें से एक लड़की होती है जिसके पास स्कीइंग की कुछ टैलेंट था, उसको स्कीइंग करने आती थी, तो वो स्नो में जाती अपनी स्कीइंग मटेरियल्स को लेकर ताकि वो हेल्प ला सके। वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग यहाँ पर बेसमेंट में जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर कुछ हथियार रखे हुए थे। सबसे पहले तो ये लोग आते हैं और एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, फिर इन्हें याद आता है कि बेसमेंट में हमें कुछ हथियार मिले थे, तो इनमें से कुछ लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं हथियार उठाने के लिए, पर तभी इनके पीछे दोस्तों थ्री फिंगर जो है वो इनके पीछे पड़ जाता है और ये लोग अपने आप को एक जाली वाले रूम में बंद कर लेते हैं उससे बचने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वन आई है वो आता है और अपनी एक मशीन से एक लड़की को पकड़ लेता है, पर इनमें से इन्हीं की एक फ्रेंड वन आई के ऊपर चक्कू से हमला कर देती है और वो उस लड़की को छोड़ देता है। अब ये लोग मौका देखकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सॉटूथ आ जाता है और उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है, और ये सब लोग वहाँ से बच जाते हैं और अपने रूम में वापस आकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पता नहीं पड़ पाता कि उनका दोस्त कहाँ गया, तो वो लोग बाहर जाकर उसे देखते हैं, तो देखते हैं कि सॉटूथ और उसके दोनों भाइयों ने उसे पकड़ लिया है और उसको इतनी बुरी तरह से वो लोग इंटरोगेट कर रहे हैं कि वो किसी और की तो जान ही निकल जाए। अब वो लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, यानी कि लोगों के बॉडी पार्ट्स को निकाल कर उनको वहाँ पर पका के वो लोग खा रहे थे, और यहाँ पर तो ये लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि वो अब करें ही क्या, अब उनके सिरा सिवा से मरने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यहाँ पर ये लोग उन लोगों को पीछे हमला करके किसी तरह उनको उसी के बैरक में बंद कर देते हैं जिस बैरक में वो लोग 29 साल पहले बंद थे। अब यहाँ पर वो लोग दोस्तों चले जाते हैं उन लोगों को बंद करके, और वो अपने बचने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। अब वो चूज़ करते हैं कि उनका एक दोस्त इन्हीं की ही रखवाली करेगा ताकि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 29 साल पहले जिस पिन से उन्होंने अपने डोर को खोला था, वो पिन अभी भी, यानी कि 29 साल बाद भी उसी बैरक में पड़ी है। वो लोग उस पिन को निकालते हैं और अपने बैरक की डोर को ओपन कर देते हैं, और बाहर आते ही सबसे पहले वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लड़कियाँ अपने अपने रूम में जा रही थी, पर यहाँ की जितनी भी लाइट थी वो उन तीनों भाइयों ने बाहर निकलते ही बंद कर दी थी। अब ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़कियाँ अपने अपने रूम में पहुँच रही हैं और एक साथ हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी की उस वो ढकी हुई आँख को देखते हैं, और हमें बाद में सीक्रेट पता चलता है कि ये कौन है। ये लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसको चक्कू से मार देते हैं 3i समझ कर। अब ये लोग जैसे ही उसके ऊपर से पर्दा हटाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ये उन्हीं का ही एक दोस्त था, और ये लोग अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, अपने ही दोस्त को मार दिया। अब यहाँ पर ये तीनों भाई आ जाते हैं, यानी कि थ्री फिंगर, वन आई एंड सॉटूथ, ये तीनों पे अपने अपने हथियार थे। अब ये सारे दोस्त भी अपने अपने बेसमेंट में आ जाते हैं और यहाँ से जैकेट्स उठाकर और अपना कुछ सामान उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें पता पड़ता है क्योंकि सैनिटोरियम था, यहाँ पर खिड़की भी नहीं है और कुछ खिड़की हैं तो उनके ऊपर जाली लग रही हैं। अब ये लोग किसी तरह से एक जाली को हटाकर एक खिड़की को तोड़ते हैं, पर बाहर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, तो ये लोग बर्फ़ से एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। सॉटूथ और उसके दोनों भाई उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो गेट नहीं खुल पाता, पर किसी तरह से वो गेट खुल जाता है और यहाँ पर जो एक लड़की है वो बर्फ़ में से निकलने का रास्ता भी बना लेती है, और ये दो लड़की तो वहाँ से निकल जाती है पर एक लड़की बच जाती है अंदर ही, जिसको यहाँ पे पीछे से सॉटूथ आता है और अपने ड्रिल मशीन से उस लड़की को ऑन द स्पॉट ही मार देता है।
अब यहाँ पर पूरे ग्रुप में से यहाँ पर दोस्तों तीन लड़कियाँ ही बची थी जो कि सॉ टूथ के पीछे पीछे भाग रही थी। अब एक सॉ टूथ एक लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की चक्कू से उसको ऊपर वार करके किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है। हम लोग देखते हैं कि ये लड़की भी अब मर चुकी है, रात भर बर्फ़ में बैठी हुई। और चौंकने की बात ये थी कि उससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही मेन रोड थी और उस पर रात में आंधी तूफान होने की वजह से उसे पता नहीं पड़ पाया कि रोड कहाँ पर है और वो इंतज़ार में वहीं पर मर गई। अब यहाँ पर दो हम लड़कियों को देखते हैं जो उसी ग्रुप में से एक थी जिसके पीछे वन आई उनके पीछे भाग रहा था। अब यहाँ पर सॉ टूथ उनके पीछे एक स्नोमोबाइल लेकर आता और वो लड़कियाँ उसको गिराकर स्नोमोबाइल पर बैठ जाती हैं। वो लड़कियाँ इतनी खुश थी कि ये नहीं देख पाती कि उन्होंने उनके लिए एक जाल बिछा रखा है और यहाँ पर एक हिडन वायर थी जिसके कारण उनका जो मुंह है वो कट जाता है और वो लड़कियाँ भी ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। और फाइनली ये मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।